दोस्तों स्वागत है आपका नॉलेज कोच यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इनकम टैक्स के चेंजेस के बारे में, क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से, और इस वजह से हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमें कुछ छूट दी है, कुछ एग्जेम्पशंस दी है, तो क्या उसमें चेंजेस हुआ है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है उसको बढ़ा के 30 जून तक कर दिया गया है, यानी क्या हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर 30 जून 2020 को क्लोज होगा? जी नहीं, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है 31 मार्च 2020 को ही क्लोज होगा, यानी कि उसमें किसी भी तरह की कोई डेट नहीं बढ़ी है। दूसरे इससे अगला हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है वो है कि क्या जो हम फाइनेंशियल 18-19 के इनकम टैक्स रिटर्न जो हमें फाइल करनी थी उसकी लास्ट 31 मार्च 2020 थी, क्या उसकी डेट बढ़ी है? जी हाँ, आपकी जो फाइनेंशियल 18-19 की इनकम टैक्स की रिटर्न थी उसको आप 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं विद पेनल्टीज। वैसे तो इसकी जो लास्ट डेट होती है 31 जुलाई होती है, बट अब आपको इसे गवर्नमेंट इसमें क्या आपको कुछ छूट देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट विद लेट फीस के साथ आप इसे फाइल कर सकते हैं। 31 मार्च 2020 तक आपको फाइल करनी थी, बट अब आप इसे 30 जून 2020 तक फाइल कर सकते हैं। दोस्तों इससे अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं लाइक इंश्योरेंस में, मेडिक्लेम में, म्यूचुअल फंड्स में, LIC, काफ़ी तरह के हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो जो इन्वेस्ट हम करते हैं वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी हमें डिडक्शन मिलती है इनकम टैक्स में, जब हम अपनी इनकम टैक्स की कंपोजिशन करते हैं। तो इसकी कोई डेट बढ़ाई गई है? हाँ, अब जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे 30 जून 2020 तक उसकी भी आपको डिडक्शन मिलने वाले हैं, यानी गवर्नमेंट ने आपको बोले आप अगर अभी तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है उसको आप 30 जून 2020 तक कर सकते हो और आप उसकी डिडक्शन ले सकते हो फाइनेंशियल ईयर 19-20 की इनकम टैक्स की रिटर्न में। दोस्तों इससे अगला हमारा क्वेश्चन आता है कि जैसे अभी हमें लास्ट टाइम में अभी बात की है कि जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको हम 30 जून 2020 तक कर सकते हैं, क्या हाउसिंग लोन के ऊपर जो हम इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं क्या उसको भी हम 30 जून 2020 तक का क्लेम कर सकते हैं? जी नहीं, जो आप हाउसिंग लोन के ऊपर इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं आपको 12 महीने का ही क्लेम कर सकते हो, यानी कि आप उसे 31 मार्च 2020 तक ही आपको डिडक्शन मिलेगी। दोस्तों हमारा लास्ट जो क्वेश्चन आ रहा है इनकम टैक्स की तरफ से कि क्या जो हम लेट डिपोजिट करते थे अपना एडवांस टैक्स TDS, TCS, EDC, क्या उस पर जो इंटरेस्ट का रेट है वो घटा के 9% कर दिया गया है? जी नहीं, जो इंटरेस्ट का रेट 9% किया गया है वो आपका सिर्फ उसी कंप्लायंस पे है जो आपकी 20 मार्च से लेके 29 जून के बीच में ड्यू हों, अदरवाइज आपका जो इंटरेस्ट का रेट है वो 18% ही रहेगा। दोस्तों थैंक यू, अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं इसका सुटेबल आंसर आपको दूंगा। थैंक यू।